सुंदर दिखने के लिए हम क्या नहीं करते हैं, पर क्या वास्तव में सुंदरता का हमारे जीवन में महत्व है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आप जान जाएंगे कि सुंदरता का असली मतलब क्या होता है। एक दूरदराज के गांव में एक आदमी रहता था। उसने किसी से सुना कि हमारे देश के राष्ट्रपति एक महान इंसान है। वो आदमी कहीं भी जाता था तो हमेशा उसे राष्ट्रपति की प्रशंसा सुनने को ही मिलती थी। अब उसने मन ही मन कल्पनाएं करना शुरू कर दी कि हमारे राष्ट्रपति बहुत ही सुंदर इंसान होंगे, लंबा सा कद होगा, जब भी वो कहीं से गुजरते होंगे तो लोग उन्हें देखते रह जाते होंगे, जब भी वो कुछ कहते होंगे तो लोग उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनते होंगे। और न जाने ऐसी कितनी कल्पनाएं उसने मन ही मन कर ली। अब उसके मन में राष्ट्रपति की एक झलक पाने की तीव्र इच्छा होने लगी, पर वो ऐसे गांव में रहता था जहां उस समय तक बिजली नहीं पहुंची थी। उसने कभी न्यूज़पेपर या टीवी में राष्ट्रपति को नहीं देखा था, पर कहा जाता है कि किसी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा हो तो वो चीज़ पूरी होने लगती है। उस आदमी को खबर मिली कि हमारे देश के राष्ट्रपति गांव से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर आने वाले हैं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो वहां पर जाएगा और उस स्थान के लिए वो चल पड़ा। उसने कुछ दूरी पैदल तय की और साधन बदल बदल कर उस स्थान पर तय समय पर वो पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पहले से काफ़ी भीड़ जमा है और हर व्यक्ति राष्ट्रपति की सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उस आदमी ने वहीं खड़े दूसरे आदमी से पूछा कि क्या आपने पहले कभी राष्ट्रपति को देखा है? उस आदमी ने कहा कि हाँ, वो तो बहुत साधारण से इंसान है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी भीड़ का अचानक शोर बढ़ गया और उन्होंने देखा कि एक आदमी रेड कारपेट पर चलते हुए आ रहा है। राष्ट्रपति उसकी कल्पना से काफी अलग थे। वो अपने विचारों में खोया हुआ था तभी उसने देखा कि राष्ट्रपति उसके सामने रुके हैं, उससे हाथ मिलाया, उसके हालचाल पूछे और आगे बढ़ गए। अब वो व्यक्ति बहुत खुश हो गया क्योंकि जिस इंसान की झलक पाने के लिए वो आया हुआ था उससे उसको हाथ मिलाने का मौका मिला है। अब मन ही मन वो इंसान सोचने लगा कि कौन कहता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति एक साधारण इंसान है, इनसे असाधारण इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं थे बल्कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इंसान कभी अपने बाहरी रंग रूप से महान या असाधारण नहीं होता है, बल्कि वो अपने कार्य, अपनी काबिलियत और प्रेम के कारण असाधारण होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार किसी भाषण में कहा था, I am not handsome, but I can give my hand to some. यानी मैं handsome नहीं हूं, पर मैं किसी की मदद के लिए अपने हाथ जरूर दे सकता हूं। इसलिए कभी बाहरी खूबसूरती पर काम मत करिए। अपने आप को एक खूबसूरत इंसान नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाइए। खूबसूरती की उम्र कम होती है और आप खूबसूरती से लोगों के दिलो दिमाग पर कुछ ही दिनों तक राज कर पाएंगे, पर आपकी अच्छाइयों से आप उनके दिलो दिमाग पर जिंदगी भर राज करेंगे। मदर टेरेसा ने कहा है कि खूबसूरत लोग अच्छे नहीं होते हैं, पर अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए, मोटिवेट रहिए और यूं ही अच्छे बने रहिए। धन्यवाद।